महाराष्ट्र सरकारचा वक्फावर डोळे ठेवणाऱ्या लोकांचा वक्फावर डोळे ठेवणाऱ्या लोकांचा चला पुढे झालं। बिजली में जो बढ़ोतरी हुई है और सूची में जो कामों की देरी हो रही है और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो नाजायज कब्जा किया गया है इनके जरिए तमाम यहाँ पर धरने आंदोलन किया गया है। अब आपके सामने जिला वो महाराष्ट्राचे युवा नेता आमचे नेते फारुक शाब्दी यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही या ठिकाणी पक्ष दिलेले आहे। केंद्रात त्यांचं राज्य आहे, राज्यात त्यांचं राज्य आहे। हे असताना गेल्या 2 महिने तिथं जेव्हा लक्ष घातलं आणि केंद्राला आदेश दिला की तुम्ही तात्काळ त्याच्यावर निर्णय घ्या नाहीतर मी लक्ष घालेन। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशाचे पंतप्रधान मला चिंता आहे 2 महिन्यानंतर या माणसाला जाग आली। अशा पंतप्रधानाचा आम्ही या ठिकाणी धिक्कार करतो आणि अशा पक्षाचं अशा जातीवादी लोकांचं आम्ही या ठिकाणी धिक्कार करतो। लोकशाही पद्धतीने काम करणारे आमचं काय यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शहर व जिल्ह्यात असे जनकल्याणाचे विविध प्रश्न त्यांनी करत आहोत। असंच सहकार्य आपल्या सर्वांचं आमचे पदाधिकारी या ठिकाणी आलेच। मी सर्वांचं आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी नगरसेवक जास्त प्रमाणात माता भगिनी मानाने देशद्रोही आणि यमन पक्षाला जातीवर मानणाऱ्या लोकांना इथं येऊन बघा। इथं कुठले लोक कुणासाठी धरणं आंदोलनासाठी बसलेले आहेत? आम्ही माणुसकी जगतो, आम्ही राष्ट्राला बघतो, आम्ही भारतीय आहोत। यासाठी आम्ही या ठिकाणी आवाज मत करा। आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर व जिला की तरफ से यहाँ पर सोलापुर शहर में पूनम गेट के पास एक आंदोलन किया जा रहा है, जिसका मुख्य ये जो रीज़न है, जैसे आप सबको पता है कि मणिपुर में पिछले दिनों में जो शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई है, जो हमारी माँ बहनों को के साथ ये दरिंदगी की गई है, उसे निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन से हमारी मांग यही है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ के CM को बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट में देखिए, आप प्रेस वाले हो कि आप खुद बोल रहे हैं कि बार बार ये घटना हो रही है, तो आपको जब पता चल सकता है तो आम नागरिक को भी मालूम है कि ये घटनाएं बार बार हो रही है। तो हमारी डिमांड यही है कि और कितनी घटनाएं होने के बाद ये सरकार जागेगी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी सरकारों का संरक्षण करना बंद करें, ऐसे CMओ का बचाव करना बंद करें और इन लोगों को एक सज़ा दे, ताकि आने वाले लोगों को जो उनकी पार्टी के अगर हो सकते हैं तो अगर आने वाले लोगों को एक ये मैसेज जाए कि जो गलत है वो गलत है और गलत को कोई भी सरकार हो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने वक्फ बोर्ड कायदा भी रद्द करने की मांग की है। हाँ, क्या जैसे कि आप देख आपको पता चला होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ संगठनाओं ने मांग की थी, जो 3500 एकड़ ज़मीन कोल्हापुर में शाहू महाराज ने वक्फ की थी, आज वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है। और ऐसी कई ज़मीनें हैं जो लैंड माफियाओं ने गैर कानूनी तरीके से बेच दिए या अपने कब्जे में लिए। जो हमारा मानना ये है कि ये मिल्कियत कौम की है और ये मिल्कियत कौम को मिलना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए। तो हमारी मांग ये भी है कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं उसकी हिफाजत होना चाहिए और वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा ताकत मिले, ताकि वो अपने रूप से एक इंडिपेंडेंट रूप से फंक्शन कर सके और ऑर्डर्स निकाल सके। सोलापुर में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के लिए आपने क्या ध्यान दिया है? सोलापुर में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उसके कुछ केसेस चालू है औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में, और उसका जल्दी निकाल आएगा तब आपको बता देंगे।